हेलो गाइस, कुकिंग विद मोनल चैनल में आप लोगों का वेलकम। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, तो आज मेरा मैगी खाने को दिल कर रहा था तो मैंने सारी वेजिटेबल कट करके रख ली। एक कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाला और कट की हुई वेजिटेबल को, मैं शिमला मिर्च को इसमें मैं फ्राई कर लेती हूँ और इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर रखे हैं इसे, और ये भी भुन चुका है, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा और ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा नमक। मैंने घर में ही पनीर बना रखा था, फटे हुए दूध की आप लोग फेंक देते हो तो मैंने उसका पनीर बना रखा है, तो वही उसी दूध के पनीर को मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई हो चुका है तो इसे भी बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा प्याज डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च, इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें टमाटर और मैंने लहसुन डाला है और इसे भी डालकर अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। मैंने एक पैकेट मैगी ली है और इसमें लगभग दो ग्लास, छोटी ग्लास से मैंने दो ग्लास पानी डाला है और इसे अच्छे से अब हम बॉयल कर लेंगे। पहले मैगी मसाला डाल देते हैं। और अब इसे हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया से बॉयल हो रही है और ये बॉयल हो चुकी है। अब इसमें फ्राई की हुई जितनी भी प्याज, शिमला मिर्च, सब्जियाँ थी मैं उसमें डाल देती हूँ। आप इसमें कोई भी सब्जी मिक्स कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो मैं पनीर को इसमें भी डाल दे रही हूँ और अच्छे से इसे चला दे रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और ये मेरी ग्रेवी वाली मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।